जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल पर मैं सुमन आंटी आपके लिए आज दो सत्संग लेकर आई हूँ, जो भेजे हैं मुझे, एक मुजफ्फरनगर से आंटी जी ने भेजा है और एक भेजा है दिल्ली से। तो दोनों ही सत्संग ब्लैक मैजिक के ऊपर हैं कि कैसे गुरुजी ने उनकी ब्लैक मैजिक की स्थिति से उनको बाहर निकाला, कैसे गुरुजी की हेल्प से, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से उनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप भी सत्संग को पूरा सुनिएगा, आपके भी लाइफ के जो डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, या किसी का कोई ब्लैक मैजिक का असर है, तो कुछ ना कुछ हद तक वो इससे ज़रूर सत्संग सुनने से ख़त्म होगा, आपको पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। और अरदास करती हूँ मैं गुरुजी से कि जो भी सत्संग को पूरा सुनते हैं और शेयर करते हैं गुरुजी, आप उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करना। और हमें नहीं पता कि किसके माध्यम से गुरुजी किसका क्या कल्याण करते हैं, हमें तो बस इतना है कि गुरुजी का अगर आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने चाहिए, तो हम बस उस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचाएँ, बाकी कल्याण तो गुरुजी ने ही करना है। तो हम अपना फर्ज पूरा करें कि हम सत्संग को शेयर करें। आपके भी अगर कोई सत्संग हैं तो आप भेज दीजिए 9548422997 पर, और सुनिए अब आंटी का सत्संग, आंटी की जुबानी, और दोनों सत्संग वन बाय वन मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, ये जो सत्संग आज शेयर करने जा रही हूँ, मुझे बहुत पैदे कर लेना चाहता, लेकिन जैसे गुरु जी की इच्छा, तो जैसे ना मैं वहाँ पे थी, तो मेरे को ब्लैक मैजिक का मैंने आपको बताया था कि वो हो गया था। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु जी ने मुझे वो संकेत दिया लोटा ब्लेस करवाने के लिए। उस टाइम बारिश बहुत हो रही थी, तो मैं गई एक आंटी से, मैं वरता हुआ लोटा लेके आई, उसको मैंने साफ किया और उसमें जल भर के रख दिया। जब सुबह मैं उठी, उसमें नींबू में सुई डली हुई थी। अब भगवान जाने, उन्हें तो मुझे गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी के लिए बताया था कि ये मतलब हेमानी पांडे जो है वो मेरे पे ब्लैक मैजिक करवा रही है, मेरी क्लासमेट है। तो उसके बाद मतलब मैं यहाँ आ गई घर अपने। तो जब घर आई तो मतलब हर जगह गुरु जी थे, लाइक मेरा स्किन का ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे भी, मुझे रोज़ की फ्रेग्रेंस आई जो उन्होंने ऑइंटमेंट लगाने के लिए दी थी मुझे, और सर्वाइकल का जो ट्रीटमेंट हुआ जिसके कारण मुझे वॉमिटिंग्स आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि गुरु जी सब जगह गाइड कर रहे हैं, ये मतलब डॉक्टर्स के फॉर्म में भी गुरु जी मेरे साथ है, हॉस्टल वार्डन्स मेरे को बहुत कॉपरेट करने लगी, पूरे हॉस्टल के बच्चों ने मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया। फिर मतलब यही चीज़ है कि मतलब जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो ना, तो गुरु जी कभी आपको हार नहीं देते, कभी भी मतलब ये नहीं होता कि आप हार सकते हो, गुरु जी के रहते वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में आके बचा ही देते हैं। आप कल की बात करो, मैं बहुत रो रही थी अचानक से, तो शाम को नानीमा आई, मीर भी आई, मेरी छोटी सिस्टर मामा की बेटी, और रियो और आरू आए ऊपर से, मेरे भाई भजन भैया के, भजन भैया की बेटी। तो मैं जितना परेशान हो रही थी ना, जितना पहले रो रही थी उतना ही मैं इतना ज़्यादा खुश थी, मासी आई मुझसे मिलने, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब द डे वॉज ओवर फॉर मी। तो यही चीज़ है। और अभी गुरु जी ने मुझे थोड़ी देर पहले बोला है कि मतलब जब मैं दिखते रहे पे सत्संग हुआ तब तो मुझे कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाना, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। और क्या बोलते हैं, टीचर्स ने और प्रोफेसर्स ने भी बहुत कॉपरेट किया, मेरे ऑनलाइन असाइनमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए, और क्या बोलते हैं, नोट्स वगैरह भी शेयर
ये फ्रेंड्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया, देर से ही सही नोट्स भेज देती थी, तो ये चीज़ हो जाती है। मेरे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा नाम नितिका है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने काफ़ी सत्संग शेयर करे हैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग, बट मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी बहुत कृपा कर रहे हैं मुझ पर और इतनी कुछ चीज़ें हो जाती है जो मुझे बताना ज़रूरी है सभी संगत को, क्योंकि मुझे कभी कभी सत्संग याद नहीं रहते तो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। मैं अपना शुक्राना संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने अपने मेरे लाइफ में बहुत से चेंजेस करे हैं। मैं पहले हमेशा उदास रहती थी बट मैं अब खुश रहती हूँ। पहले मैं हमेशा रोती रहती थी बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोने का खुद ही मन नहीं करता, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मेरी काफ़ी लड़ाई पहले हो चुकी है घर पर भी और वैसे भी, बट जब से मतलब अभी कुछ टाइम से तो मेरे को गुरु जी से जुड़े 4-5 महीने तो हो गए हैं, तो अब रोने का मन नहीं करता, काफ़ी खुश रहने का मन करता है। वैसे कभी कभी उदास हो जाती हूँ लेकिन अब लगता है कि खुश ही रहो। काफ़ी चेंजेस हुए हैं, ग्रुप करे हैं गुरु जी ने मेरी लाइफ में। कल जब मैं घर पे आई थी तो गुरुजी का स्वरूप है तो मैंने हाथ जोड़ा था तो मैंने देखा था कि गुरुजी के स्वरूप में ऊपर से जैसे कुछ काला सा गया था स्वरूप के अंदर और फिर गायब हो गया। और जब मैं मंत्र जाप भी करती हूँ तो 4-5 मिनट जो भी मैंने करा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे नीचे जमीन में भी कुछ दीवार पे कुछ काला सा गया था और फिर गायब हो गया अचानक से, मतलब 1-2 सेकंड बाद ही। तो इस तरह से शायद गुरुजी ने मेरे पता नहीं कितने कष्ट काटे हैं। कभी हवा में भी कुछ खा सकता है फिर गायब हो जाता है, ऐसा लगता है गुरु जी साथ ही हमेशा रहते हैं हमारे। शुक्राना गुरु जी हर पल साथ रहने का, हर पल कृपा करने का, हर मेरे इतने सारे कष्ट काटे गुरु जी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कल जब मैं लेटी हुई थी तो ट्यूबलाइट अचानक से ऑन हो गई, मुझे याद नहीं था एक ट्यूबलाइट ऑन करने का। मैंने एक लाइट ऑन करके फिर आराम से मैं सो रही थी, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं लग रही थी तो गुरु जी ने मेरी तबीयत भी ठीक करी। 1-2 दिन से थोड़ा सर्दी खांसी भी होता तो काफ़ी ठीक है अब तो। लाइट भी अपने आप ही जल गई ट्यूबलाइट, तो भी पहली बार हुआ कि ट्यूबलाइट अपने आप ही जल गई, बल्कि मैंने ऑन भी नहीं करा था, मुझे ध्यान नहीं था बट मैंने देखा ट्यूबलाइट अपने आप ही जली है। वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत सारे कष्ट काटे हैं मेरे और गुरु जी कल मैसेज भी आया था कि मैंने बहुत बड़ा संकट डाल दिया, तो शुक्राना गुरु जी उसका। और आज की ही बात है, मतलब रात में मुझे सपना आया था तो भी अजीब से सपना था, जादू टोना टाइप, और पता नहीं कि कोई मतलब मैंने कुछ ऐसा देखा था कि मतलब मेरा भाई था तो वो पता नहीं किसके उसके अंदर कोई आत्मा उसकी थी, पता नहीं क्या कुछ अजीब सा था, तो वो मार रहा था और नाखून नाखून हो गए थे, पता नहीं क्या राक्षस टाइप हो गया था। तो वो मतलब मुझे कुछ इतना ध्यान नहीं है, सपने में बहुत कुछ था जो कि मैं भूल भी गई, मतलब कुछ इसी टाइप से था कि कुछ राक्षस वाक्षस था तो वो मार रहा था तो उसमें पता नहीं किसी आत्मा घुस गई थी और वो तो मैं लड़ाई कर रहा था। तो मैं ये सोची थी गुरुजी का इनके आगे स्वरूप दिखा दूंगी, वहाँ मेरे दिमाग में गुरुजी आ रहे थे तो मैंने स्वरूप भी उनके सामने दिखाया था या नहीं दिखाया था पता नहीं, मतलब मैं सोची थी कि दिखा दूंगी तो चले जाएंगे डर के भाग जाएंगे, ये सब मैं सोची थी सपने में। और गुरुजी का स्वरूप भी था वहाँ पे, मतलब मुझे सही से उतना याद नहीं है, और पता नहीं ईसा मसीह का भी कुछ था तो फिर कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने उस वो आत्मा वहाँ कैद हो गई और फिर गुरुजी को भी मैंने छुआ था, तो कुछ इस तरह से सपना कुछ आया था। शायद गुरुजी ने कोई कष्ट ही काटा होगा सपने में, ये सपना तो सही से याद नहीं है क्योंकि सपने में बहुत कुछ था जो फिर मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। मतलब सुबह शायद 6 बजे या इसके अराउंड कुछ आया होगा सपना, वैसे तो मुझे नहीं पता कितने बजे आया था बट आई थिंक इसके अराउंड कुछ आया होगा, तो 6-6:30 बजे 7 बजे से पहले आया था। तो ऐसा कुछ अजीब सपना था जादू टोना टाइप और आत्मा आत्मा से रिलेटेड, तो उसमें गुरुजी भी थे इतना भी मुझे पता है, बट शायद गुरुजी का एग्जैक्ट चेहरा तो मुझे नहीं याद है सही से कैसा था, बट गुरुजी का नाम बोल रही थी और गुरुजी थे उसमें। और ईसा मसीह का भी कुछ था
ऐसा भी लग रहा था मुझे, तो शायद उसने वो कष्ट काटा होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि गुरु जी कहते भी हैं कि शायद ब्लैक मैजिक वगैरह था, तो वो मैं इस तरह से काटता हूँ सपने में भी, तो गुरु जी सपने में भी कष्ट काटते ही है। तो शुक्राना गुरु जी, जो गुरु जी मेरे कष्ट काट रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी हर पल साथ रहने का। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई भूल चुको कोई सत्संग में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। और संगत जी, क्या मैं सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय।